सोच हो सकती है कि मैंने इतनी मर्तबा तस्बीह पढ़ी, मैंने इतनी मर्तबा ये पढ़ा, मैंने इतनी मर्तबा ये पढ़ा, अगर मैं उसका पढ़ा ही का ख्याल सिर्फ इसी चक्कर में है तो यकीन करें कि उसका ये चक्कर फजूल है। अगर वो अपने इरादे के अंदर ये नीयत कर लेता है, अल्लाह मैं ये इबादत या रियाजत इसलिए करता हूं कि तू इसके काबिल है, तू मेरा रब है, तो यकीन करें कि उसकी हर सांस कबूल हो जाए। मैंने कुरान में अकवाम आलम में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को देखा है, लेकिन मेरी नीयत आप समाप्त फरमाएंगे, आपकी सवादों की नजर मेरी नीयत है। मेरी नीयत के अंदर फकत दो चीजें समा रखती हैं। मैं कहता हूं अल्लाह सबसे पहले तू राजी हो जा और उसके बाद तेरे जो बंदे आए उनको शफा मिल जाए। जब मैं अपनी ये नीयत करता हूं इसके बैग के पीछे ना तो मैं सियासत करता हूं, ना तो मैं लालच करता हूं, ना तो मैं दुनियादारी की बात करता हूं, फकत मखलूक खुदा की खिदमत करता हूं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, ख्याल क्या आया कि अल्लाह ये तेरे कर्म से लोग शफा पाते हैं, लेकिन मेरी नीयत ये है कि मैं किसी से इस शफा के बदले में, इस मजदूरी इस काम के बदले में किसी से मजदूरी नहीं मांगता हूं, बल्कि रातों को खड़े होकर हजारों लोगों का दर्द इसलिए सुनता हूं कि मैशर वाले दिन तुम मुझसे राजी हो जाओ। मेरी जिंदगी का मकसद यह है, हजारों का जमे हफीर है, यहां सिर्फ हाथ इसलिए फैलाए जाते हैं कि अल्लाह तो बीमारों को शफा देती है। आप देख चुके होते हैं 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने देखा। और दूसरी नीयत समाप्त कीजिए, दूसरी मेरी जिंदगी का मिशन क्या है कि मैं हुजूर का मीलाद मनाता हूं। पूरा कुरान में आपने देखा होगा कि कुरान में लोग कहते हैं मीलाद मनाने से कोई पीर नहीं बन सकता, दम करने से कोई पीर नहीं बन सकता, भूख मारने से कोई पीर नहीं बन सकता, कोई ठीक हो जाए शफा पा ले तो कोई पीर नहीं बन सकता, कोई किसी की हाजत अल्लाह पूरी फरमा दे तो पीर नहीं बन सकता। अगर ये सारे कामयाब हो से बाप की ग्यारहवीं मनाने से पीर बन नहीं सकता, अगर इन सारे कामों से पीर नहीं बन सकता तो मुझे एक सवाल या निशान है, क्या किसी की जेब काटने से पीर बन जाते हैं? क्या किसी के लूटने वाला बड़ा पीर होता है और जो किसी से ना ले वो पीर नहीं हो सकता? हाँ, इस दौर के अंदर इस चीज की खराबी है माशरे के अंदर, जो जितनी ज्यादा किसी से बड़ी डिमांड करता है और आंखें बंद करके चुप रहता है वो बन जाता है पीर, और जो किसी को रब की रजा की खातर मोहब्बत करता है वो पीर नहीं बन सकता। ये तेरा फार्मूला उल्टा है, ये गलत बात है। वो जो लेकर कुछ काम करता है उसमें दगान डाली होती है, और जो नामे खुदा काम करता है उसमें रब की रजा संभाली होती है। मैंने किसी से एक पैनी बल्कि वहां का पानी भी नहीं पीता हूं, इसलिए नहीं पीता हूं अगर वो हमारे आका जिनकी खातर पूरी कायनात बनी हमारी बख्शिश के लिए हमारी शफात के लिए मैशर में खड़े होंगे, क्या हम उनके नामों को लूटते फिरे? ऐसा हो नहीं सकता।